गाइस वेलकम बैक। क्या आप लोग भी एक ऐसा फेशियल खोज रहे हैं जो आपके बजट में भी आता हो और आपको उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो और आपकी स्किन भी ग्लो करे? तो ऐसा ही एक फेशियल लेकर मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। आपको क्या करना है, आपको उसके लिए एक कंपलसरी चीज़ ज़रूर चाहिएगी, वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, आज हम एलोवेरा से फेशियल करने वाले हैं 4 स्टेप में। आप देखेंगे कि आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े ब्लैकनेस आ गई है इस एरिया में, तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। मैं घर का लगाया हुआ एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से या किसी भी सॉफ्ट टॉवल से अपना फेस पोंछ लीजिए और उसके बाद अपने फेस पर फेशियल बैंड लगा लीजिए ताकि आपके बाल आपको परेशान ना करें। एलोवेरा फेशियल करने के लिए हमारा पहला स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कच्चे दूध के और एलोवेरा। एलोवेरा को हम साइड से कट कर लेंगे और उसकी जेल बेस में बना के दूध में ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए आपको अपने फेस पे मसाज करनी है। इससे आपका फेस क्लीन हो जाएगा, आपके फेस की डर्ट हट जाएगी, आपका फेस स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रब। स्क्रब करने के लिए हमें 2 चम्मच बेसन के चाहिएंगे और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। आपको पता ही है स्क्रब हमारे फेस के लिए कितनी अच्छी होती है, हमारे पोर्स को ओपन कर देती है, हमारे पोर्स में डीपली जाके हमारे पोर्स को क्लीन करती है जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग दिखती है। और हमें इसमें थोड़ी सी इनो डालनी है, थोड़ी सी डालनी है 2 पिंच के बराबर हमें इसमें इनो डाल देनी है और थोड़ा सा चंदन पाउडर भी इसमें हमें ऐड करना है क्योंकि चंदन पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इनो हमारी स्किन में जो ब्लैकनेस आ गई है, जो हमारे पोर्स में गंदगी भर गई, उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगी। और थोड़ा सा इसमें हम नींबू ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैं साइड में अपने फेस की किस तरह से मसाज कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह मसाज करनी होगी तभी आपको अपने फेस पे इफेक्ट दिखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ग्लो कितना अच्छा आ गया है। आप उसको वॉश कर दें और अपना फेस किसी सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लें। थर्ड है हमारा मॉइस्चराइजिंग। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एलोवेरा लेना है और अपने फेस पे क्रश करके मतलब जैसे आपने उसकी एक लेयर सी लगा लेनी है, उसकी झाग निकाल के और अपने फेस पे लगा लेनी है ऐसे ही और उसकी मसाज करनी है 5-10 मिनट के लिए। इससे आपका फेस मॉइस्चराइज हो जाएगा, आपके फेस के जो स्क्रब करने से पोर्स ओपन हुए थे उसको हेल्प मिलेगी रीजेनरेट होने की। अभी हमारा 4th स्टेप है मास्क। आपको मास्क बनाने के लिए एलोवेरा जेल में चंदन पाउडर ऐड करना है और उसका ऐसे ही थिक पेस्ट बनाना है जैसे मैं बना लगा के दिखा रही हूँ। और उसको आपको ऐसे ही अपनी फिंगर या ब्रश के हेल्प से ये नहीं लगेगा, आपको हाथ से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल की गांठें सी बन जाएगी। और उसको आपको लगा के पूरे फेस पे थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए मसाज देनी है और उसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पे और फिर वॉश कर देना है अपना फेस। आप देख सकते हैं पहले में और अब में मेरे में कितना फर्क आ गया है। ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप भी जरूरी है फेशियल अपनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।